एवरीवन, आज हम बना रहे हैं टेस्टी और चीजी पनीर पॉकेट्स। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। हमने यूज की है ब्रेड, ये हमारा मोजरेला पनीर टॉपिंग चीज है, ये सिंपल पनीर 200 ग्राम ग्रेट किया हुआ, कॉर्न्स, अनियन, कोरिएंडर, कैप्सिकम, ब्लैक पेपर, सॉल्ट और ग्रीन चिलीज। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हमने ब्रेड को किस तरीके से मोल्ड करना है। हमने अपने घर में से एक स्टील की शॉप कटोरी ली ताकि उसे हम ब्रेड में होल्ड कर पाए। इसे सेंटर में रख के थोड़ा हल्का सा प्रेस कीजिए और इस तरीके से अब आपकी ब्रेड निकल जाएगी। ये आप अलग से रख सकते हैं। इसी तरीके से मैं एक और पीस को खोल लूंगी। वाओ सौम्या, ग्रेट। आइए अब हम बनाते हैं इसकी स्टफिंग। तो आज हम बना रहे हैं दो टाइप की स्टफिंग। एक टाइप की स्टफिंग में हम सिर्फ पनीर लेंगे क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें चीज नहीं पसंद होता, और एक टाइप में हम दोनों का हाफ हाफ प्रोपोर्शन लेंगे। तो आइए पहले बनाते हैं सिर्फ पनीर वाली। इसमें मैंने ये पनीर ले लिया है ऑलमोस्ट सारा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कैप्सिकम। कितनी डालेंगे? ये हमने अपने अंदाजे से डालिए, ईस्ट के लिए बचाने के लिए हमने इतनी छोड़ दी है, थोड़ी सी और। मेरे हिसाब से वन कैप्सिकम चॉप्ड है और इसमें से हमने थोड़ी सी छोड़ दी है ना, वन कैप्सिकम में से। इसमें से हम कोरिएंडर डालेंगे, कोरिएंडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें, बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये कॉर्न्स, अनियन, ये एक अनियन है और इसमें से मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ दूसरी सर्विंग के लिए, बाकी मैंने इसमें ऑलमोस्ट सारा डाल ही दिया है। और जो अनियन नहीं खाता वो अनियन को स्किप कर सकता है ना? जी, गुड। ये ग्रीन चिलीज, मैं इसमें 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर में थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, बाकी आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से डाल सकते हैं। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट मैंने ऑलमोस्ट 1 ये ले लिया है स्पून, हाफ टी स्पून के लगभग है ये। हम थोड़ा सा और डाल सकते हैं इसमें क्योंकि चीज, ये वाला जो पनीर है, ये ब्लैक पेपर, ये ऑलमोस्ट 1 टेबलस्पून है मेरे हिसाब से। नो, ये 1/4 टीस्पून है। 1/4 टीस्पून है और उसमें से हमने बहुत अ लिटल हमने इसमें छोड़ दिया है दूसरी सर्विंग के। यस, ये अपना सॉल्ट इसमें अच्छे से डाल दूंगी। ये इन सब चीजों का अपना अपना टेस्ट है कि आप कितना स्पाइसी, और ये आप इसमें भी इस मेथड से बनाएंगे तो। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ताकि हमारा सॉल्ट और पेपर पनीर में अच्छे से मिक्स हो जाए और हर चीज का हमें फ्लेवर एक जैसा आए पूरी उसमें। ये फिलिंग को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और एक बार टेस्ट कर लिया ताकि इसमें कोई कमी ना हो। अगर आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ भी कम ज्यादा लगे तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं उसमें। अब हम बनाएंगे दूसरी फिलिंग हमारी, जिसमें हम चीज यूज करेंगे। ये मैं बची हुई कैप्सिकम डाल रही हूँ। अब मैं इसमें सारा चीज डाल रही हूँ। ये चीज हमने मेजर नहीं किया है, इसे हमने अंदाजे से ग्रेट किया है जितना हमें क्वांटिटी के हिसाब से जरूरत है। ये कौन सा चीज है सौम्या? ये मोजरेला पिज्जा टॉपिंग चीज है। मोजरेला पिज्जा जो ब्रिक में आता है। ओके, ये हमारा पनीर और ये सिंपल पनीर जिसे कहते हैं कॉटेज चीज, कॉर्न्स, मैं एंजॉय करे कुकिंग को जी। टेस्ट अच्छा आना चाहिए तो एंजॉय किया हुआ वसूल हो जाता है। सौम्या नर्वस है कि पता नहीं अभी है, क्योंकि ये वाला जो चीज वाला है, सौम्या ने मुझे सडन आइडिया दिया कि मम्मी क्यों ना हम, सौम्या को मोजरेला चीज बहुत पसंद है, तो सौम्या ने बोला कि मम्मा इसमें क्यों ना हम थोड़ा चीज भी ऐड करके कुछ बनाए। तो दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम मोजरेला चीज ऐड करके बना रहे हैं, तो हमारे लिए भी न्यू एक्सपेरिमेंट है। लेट्स ट्राई कि ये कैसा टेस्ट देगा। तो भी हमने दो अलग अलग फिलिंग्स बना ली ताकि कोई रस्ता नहीं पड़े। हमारी दोनों फिलिंग्स हमने तैयार कर ली है, विद चीज एंड विदाउट चीज। अभी हमने पानी लिया है उसकी फिल करने के लिए ब्रेड के साथ, और इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे और उसे मिक्स करेंगे। अब बारी है नेक्स्ट स्टेप की, हमने इसकी फिलिंग करनी है। उसके पहले हमने ऑयल को गैस पर रख दिया है ताकि जितनी देर हम फिलिंग करें उतनी देर में ऑयल गर्म हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो।
अब देखिए हमने ये ब्रेड को लिया है, इस पानी में हमने जो थोड़ा सा नमक डाला था उसमें हम इसे हल्का सा सोक करेंगे और साथ ही इसे स्क्वीज करके इसका पानी निकाल लेंगे। इसे अच्छे से स्क्वीज करेंगे ताकि इसका पानी निकल जाए सारा। और इसमें बहुत ज्यादा पानी में डिप भी नहीं करना, मतलब इंस्टेंट किया और निकाला और वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर से, शायद एक ही तरफ भी पानी आएगा ताकि हमारी ब्रेड भी। अब हम अपने दूसरे पीस को भी ऐसे ही कर लेंगे। ये बिल्कुल जरा सा मैंने टच किया और साथ ही निकाल लिया। अब मैं इसके बचे हुए पानी को भी स्क्वीज कर लूंगी। मैंने इसे अच्छे से स्क्वीज कर लिया है। अब मैं इसमें विद चीज वाली फिलिंग को डालूंगी। अपने हाथ को हमें एक कटोरी के फॉर्म में लेना है, ऐसे देखिए अपने हाथ को एक कटोरी के फॉर्म में बना लिया मैंने और अब मैं इसके अंदर फिलिंग रखूंगी। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपकी फिलिंग इतनी हो कि एटलीस्ट फिलिंग का टेस्ट तो आए, तो ज्यादा कम भी ना रहे वो और ज्यादा भी ना हो, नहीं तो वो फट जाएगा। तो हम उस हिसाब से फिलिंग रखेंगे। ये दूसरे पीस को मैंने उसके ऊपर रखा। अब यहाँ पे देखिए हमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मुझे भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमने अपने हाथ को ऐसे ही दूसरी फॉर्म में कटोरी में बनाया और अपने थंब से इसे प्रेस करते हुए इस हाथ से इसे उठा उठा के घुमा घुमा के थंब से प्रेस करना है ताकि ये इडली की फॉर्म में पैक हो जाए, स्टफिंग बाहर भी ना निकले और ब्रेड का टेस्ट भी आए। ये देखिए मैं ऐसे घुमा रही हूँ ताकि ये हर कोने से फिल हो जाए। और इसमें हमने अपनी उंगलियों से प्रेशर नहीं लगाना, अपने थंब से लगाना है। उंगलियों को सिर्फ कटोरी की फॉर्म में उठाने के लिए यूज करना है। इसको एक बार हल्का सा और घुमा के राउंड शेप में ताकि आ जाए। ये टेक्निक बहुत ज्यादा जरूरी है सीखने। इसे सीखने में थोड़ा सा आपको शायद टाइम लग सकता है बट ये इतने में मुश्किल नहीं है। बस हमें अपने दोनों हाथों को इस फॉर्म में रखना है और इसे ऐसे ऐसे घुमाते रहना है जब तक ये प्रॉपरली पैक ना हो जाए। ये देखिए ये इस तरीके से पैक हो जाएगा। वाओ। अब हम इसी तरीके से बाकी सारी ब्रेड्स को भी फिल करके रख लेंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई करेंगे। ये देखिए हमने अपनी सारी अच्छे से ब्रेड को फिल कर लिया है। ये हमारी विद चीज वाली ब्रेड की फिलिंग्स के साथ है और ये वाली सिर्फ पनीर वाली है। अब देखते हैं, शायद हमारा ऑयल भी गर्म हो गया। अब हमारा अगला स्टेप है इसे फ्राई करना और हमारी चीज़ी पॉपिट्स रेडी। रेडी। आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑयल है वो अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम इसकी गैस को कर देंगे कम, और क्योंकि अब ये थोड़ा सा ऑयलिंग वाला तलने का काम है फिर से सौम्या कर रही है, कह रही है कि वो खुद करेगी। तो ये विदाउट चीज वाला है और ये मैंने धीरे से साइड से डाल दिया है और इसी तरीके से मैं अभी सौम्या को इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि ये वाला स्टेप थोड़ा सा टफ है सौम्या के लिए अभी। और आप सब मुझे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हम मम्मा बेटी आपको बता रहे हैं कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म मुझे लग रहा है वो ब्राउन, तो इसको मैं गैस को भी बंद कर रही हूँ। अभी हम इसको अच्छे से, गैस मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मुझे ऑयल एक्स्ट्रा ज़्यादा गर्म लग रहा था। और ये आप देख सकते हैं इसका कलर गोल्डन ब्राउन, वेरी नाइस कलर, क्योंकि ये ब्रेड है और थोड़ी सोक्ड है, वाटर सोक्ड है। हमारा पीस एक छोटा सा टूट गया था, इट्स ओके, ये हम निकाल लेंगे। अब एक सौम्या ट्राई करेगी, क्योंकि सौम्या भी सीख रही है और अब ऑयल कंफर्टेबल है सौम्या के लिए। वेरी नाइस, वेरी गुड। मैंने विद चीज वाला डाला है। अच्छा, विद चीज वाला। तो अभी हम एक ही पीस को ट्राई करेंगे क्योंकि ये फर्स्ट टाइम हम कुक कर रहे हैं। और अभी मैं गैस भी ऑन कर दूंगी, ये गैस ऑन कर दी है वापस से क्योंकि अब मुझे फिर से इसका जो टेम्परेचर है वो कम लग रहा था। देखते हैं इसको भी, ये भी हो रहा है। अब इसे होने देते हैं। इसी तरह से हम बाकी के भी सारे फ्राई कर करके रखते चले जाएंगे। और ये आप देख सकते हैं, ये भी अभी अपीलिंग कर रहा है कि ये बढ़िया टिकने वाला है। ये देखिए हमने फ्राई कर लिया है, ये हमारी पनीर वाली है और ये विद चीज वाली है। अब हम इसे कट करेंगे क्योंकि इसका नाम क्या है, चीज पॉकेट। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है और इसमें हर चीज़ की फिलिंग बहुत अच्छे से दिख रही है।
हाँ ऐसे ऐसे सर्व कर रही हूँ। अब हम कट करेंगे चीज वाली को। ये चीज वाली कौन सी जिसमें हमने चीज फिलिंग की है? यस मैंने इसे काट लिया है। अब मुझे उम्मीद थी कि चीज पुल आएगा पर इसमें नहीं आया, पर इसमें हमें चीज से भी दिख रहा है अलग से। ये देखिए अंदर से फील आ रहा है कि मोजरेला चीज का पता लग रहा है इसमें। इसे हमने सर्व किया है विद रेड टोमेटो केचप। बाकी आपको जिस भी चीज के साथ खाना हो, चटनी मेयोनीज आप इसमें जिस चीज के साथ खा सकते हैं। ये रही हमारी टेस्टी चीज पॉकेट विद मोजरेला। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। दोनों तरीके के चीज पॉकेट्स को टेस्ट किया और मैंने ये चीज नोटिस की कि दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है चीज और विदाउट चीज वाले में। तो अगर आप चीज को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा और आपको एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट लग रहा है। सो थैंक यू।